एक गांव में एक हैंडपंप अपने आप चलता रहता था। जब भी वह हैंडपंप चलता तो जोर जोर से उस हैंडपंप की आवाजें आना शुरू हो जाती। रात की शांति में जैसे वह हैंडपंप किसी को बुला रहा हो। पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि वह जाकर देखे। सुबह में एक दिन छुट्टियां बनाने शहर से अपने गांव आता है, तभी उसे हैंडपंप की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को किसे पानी भरना है? देखो कितनी जोर जोर से हैंडपंप बज रहा है। भला हैंडपंप इतनी आवाज करता है? नहीं करता बेटा, पर यह भूतिया हैंडपंप है इसलिए इतनी आवाज करता है। सुना है जो भी रात को घर से बाहर निकलता है वह आज तक लौट के नहीं आया। क्या दादी आप भी फालतू की बातें करती हो? मैं यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम मुझे भूत प्रेतों में उलझा रही हो। नहीं बेटा नहीं, भूत प्रेत सच में भी होते हैं। और अगर मैं जिंदा आ गया तो क्या आप सारी जमीन मेरे नाम कर दोगी? मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। और गांव में एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। कितनी बार बोला है कि रात को पीकर मत आया करो, पर रोज पीकर आ जाते हो। अरे पीता हूँ तो मेरे पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता। अरे बच्चों का तो सोचो। बच्चे गए भाड़ में, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह आदमी गुस्से में अपने घर के बाहर चला जाता है। रास्ते से गुजरते वक्त वह हैंडपंप के पास पहुंचता है। आज तो मौज हो गई, कितने दिनों से इंसानों को मांस नहीं खाया, आज तो दावत है दावत। तो चल मुझे भी ले चल दावत में, मैं भी खाऊंगा। वैसे मेरी पत्नी मेरे से बहुत लड़ती है, चलो दोनों मिलके दावत करें। तुम्हें पूछनी है मरने की? शराब के नशे में खड़े युवक को समझ में ही नहीं आता कि यह एक राक्षस बोल रहा है। ऐसा कहकर वह राक्षस उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे कच्चा खाना शुरू कर देता है। और रह जाते हैं तो बस उसके कुछ टुकड़े। रात के सन्नाटे में हैंडपंप की आवाज रात भर गूंजती रही। शुभम के कानों को यह शोर पसंद नहीं आ रहा था, पर कोई इंसान इतनी देर तक हैंडपंप चला भी नहीं सकता था। उसके मन में तूफान से उठने लगे। सुबह जब वह गांव में घूमने को निकला तो उसने लोगों की भीड़ देखी। उस हैंडपंप के पास बहुत सा खून पड़ा हुआ था। लोगों का कहना था कि जब वह हैंडपंप रात को चलता है तो उसमें से खून गिरता है। तो कुछ लोगों का कहना था कि कोई भूत प्रेत आकर लोगों को मार कर खा जाती है, इसलिए वहां खून पड़ा रहता है। इस परेशानी को सुलझाने के लिए शुभम ने खुद हैंडपंप चलाना चाहा। गांव के लोग काफी समय से उस हैंडपंप से पानी नहीं भर रहे थे, इसलिए उन्होंने शुभम को भी मना किया। पर जैसे ही शुभम ने हैंडपंप चलाना शुरू किया तो उसमें से खून गिरने लगा। गांव के लोग काफी डर गए। तब शुभम ने सोचा कि अगर कोई भूत प्रेत वाकई में इंसानों को मारकर खाता है तो यह गांव के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं गांव वालों की मदद नहीं कर सकता तो मेरे डॉक्टर बनने का कोई अर्थ नहीं। तब शुभम सीसीटीवी कैमरे लाकर उस हैंडपंप के चारों ओर लगा देता है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग की सेटिंग वो अपने लैपटॉप में कर लेता है। तब वह देखता है कि हैंडपंप अपने आप चल रहा है, उसमें से खून गिर रहा है, तो कभी शरीर का कोई अंग गिरता और उस हैंडपंप के चलने की आवाज
वापस से पूरे गांव में गूंजने लगती है और जोर जोर से चीखने की आवाज, जैसे कि वह हैंडपंप किसी को बुला रहा हो। तभी वह देखता है कि एक बैल वहां आ जाता है और फिर उस हैंडपंप में से एक राक्षस निकलता है जो उस बैल को पकड़कर उसकी टांग तोड़ देता है। वह धीरे धीरे पूरे बैल को खा जाता है और फिर बचता है तो सिर्फ खून और कुछ टुकड़े। शुभम की तो जैसे सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। अब उसे कुछ भी करके गांव वालों को राक्षस से छुटकारा दिलाना था। वह सोचता है कि कई बार शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो डॉक्टर्स उसे निकाल देते हैं। अगर यह हैंडपंप ही हटा दिया जाए तो हो सकता है कि वह राक्षस भी मर जाए। फिर वह सोचता है कि वह राक्षस तो हैंडपंप से बाहर निकलकर लोगों को मारता है। अगर हैंडपंप निकलने के बाद राक्षस ही रह गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। फिर वह सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का कहता है और रात की सारी सीसीटीवी फुटेज वह लोगों को दिखाता है और सभी लोगों से अपने अपने सुझाव मांगता है। तब गांव के पुजारी भी यही कहते हैं कि हो सकता है हैंडपंप हटाने से राक्षस खत्म हो जाए। हम हैंडपंप को हटा के वहां पर बजरंगबली की एक मूर्ति लगा देते हैं, ना रहेगा हैंडपंप और ना निकलेगा उसमें से कोई राक्षस। और बिना समय गवाए सभी वहां हैंडपंप हटाकर हनुमान जी की एक मूर्ति लगा देते हैं और पूरे गांव में पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। वह कैमरे अभी वहीं लगे हुए थे। काफी समय गुजर गया और गांव में किसी की मौत नहीं हुई और इस तरह हैंडपंप वाला राक्षस खत्म हो गया। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।